समस्या से घबराइए मत, उसका समाधान ढूंढिए। चाय का बिजनेस, टी बिजनेस, यहाँ भी अनेकों समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो आज मैं बताऊंगा टॉप 5 प्रॉब्लम्स इन टी बिजनेस एंड उसका सोल्यूशन। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो भाई ऐसा बात है कि ये जो चाय का बिजनेस है बहुत ही खतरनाक है, कमाई तो है बट बहुत टेंशन रहता है इसमें। मेन 5 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करेंगे और उसका समाधान पे भी हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, समाधान निकालेंगे, आप हम मिलके बात करेंगे, आराम से उसकी समाधान निकल जाएगी और आपकी टी बिजनेस अच्छी खासी चलेगी, नहीं तो टी बिजनेस फेल। भाई जब प्रॉब्लम्स आएंगी उस प्रॉब्लम्स का आप सही सलूशन अगर नहीं निकालेंगे तब तक आप कैसे ग्रो करेंगे? समस्या कहाँ नहीं है, हमारे जीवन में है, आपके जीवन में है, ये पूरी दुनिया में है, हर जगह समस्या है। उस समस्या को चीड़ते हुए आगे निकल जाओ, वही बहादुर बोलते हैं भाई, उसी को तो है ना, उसी को ब्रेव पर्सन बोलते हैं। तो पर्सनालिटी ऐसा रखना चाहिए कि छोटी मोटी समस्या आती जाती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, मस्त होके चलो। तो आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से 5 टॉप प्रॉब्लम्स जो है बिजनेस के, इस पर बात करेंगे। देखिए मैं पॉइंट नोट कर लिया हूँ, टी बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है और सोल्यूशंस है, सिंपल सा ये वीडियो फटाफट खत्म करने वाला हूँ, आप लोग बने रहें और देखें इसकी प्रॉब्लम्स मेरे नज़र में क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हाई क्वालिटी टी। भाई आपको ऑर्डर देते हैं कुछ अलग मिल जाता है, कुछ अलग आपको ब्लेंडिंग का पता नहीं है, चाय आप चाहते हैं कुछ अलग देना, हो जाता है कुछ अलग। भाई ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके पैकेट में, या आप लूज बिजनेस कर रहे हैं, या आप टी स्टॉल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं चाय का, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? चाय की पत्ती। अच्छी क्वालिटी की अगर चाय की पत्ती नहीं मिलेगी तो सोचिए बिजनेस गया काम से, चलेगा ही नहीं। चाहे वो 100 की चाय दे रहे हैं, चाहे वो 500 रुपये की चाय दे रहे हैं, भाई 100 रुपये के हिसाब से चाय की क्वालिटी होनी चाहिए, 500 के हिसाब से भी चाय की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 का चाय दिया 500 में बेच दो, या आपने 500 वाली चाय मंगाई और 100 वाली चाय दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है भाई, हम क्वालिटी को मेंटेन करें। तो हाई क्वालिटी टी सोर्स करने के तरीके, इसको कैसे करना पड़ेगा, आप जो है कोई ट्रस्टेड सप्लायर को पकड़िए, ठीक है, नहीं तो खुद जो है आप टेस्टिंग सीखिए। देखिए यहाँ प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ, कोई ट्रस्टेड सप्लायर है उसको पकड़िए, टेस्टिंग सीखिए, किसी का कंसल्टेंसी लीजिए, कंसल्ट करिए किसी से, तो इसमें क्या होगा कि एक भरोसा कर सकेंगे। क्योंकि सस्ती चाय में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और महंगी चाय चलो एक ब्रांड नेम के हिसाब से हम ले भी सकते हैं, फ्लक्चुएशन वहाँ भी होती है। तो कभी भी हाई क्वालिटी चाय, या बोलने का मतलब ये है जिस रेंज की चाय आप ले रहे हैं उस रेंज में बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। तो हाई क्वालिटी चाय हो, या 100 की चाय हो, या 200 की चाय हो, या 300 की चाय हो, जो रेट दिए उस रेट में पूरा पैसा वसूल मटेरियल होना चाहिए, बात यहाँ पे है। तो भाई पैसा वसूल मटेरियल के लिए क्या करना होगा, आपको जो है ऐसे सप्लायर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा जो सही मार्जिन पे आप काम करे और सही मार्जिन लेकर के आपको चाय की पत्ती सप्लाई दे और आपके नीड को समझे। या तो आप खुद टी टेस्टिंग सीख लो, टी ब्लेंडिंग सीख लो। तो भाई टी टेस्टिंग सीखते हैं तो आप क्वालिटी पहचान लोगे और उसका प्रोसेस करने का तरीका भी आपको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई भी चाय दे। भाई आपको इंक्वायरी करना सीखना पड़ेगा, किस बगान का लें, किस जगह का लें, उस बगान का वही चाय है कि नहीं है, इसका आता पता करना पड़ेगा, ये नहीं किसी बैग में भर के दे दिया, किस बगान का है और वो लॉट नंबर करेक्ट है कि नहीं है, इनवाइस नंबर करेक्ट है कि नहीं है, वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करेक्ट है कि नहीं है, ये सारी बातों का पता करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए,
भाई फटाफट आज ही डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लो कॉस्ट पे एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है आपको, तो दिक्कत क्या है? बिजनेस में आप लाखों का नुकसान कर देते हो, छोटे बिजनेसमैन कम से कम 5-10 हज़ार का नुकसान होता ही है। एक थोड़े से खर्च पे अगर ट्रेनिंग सीख लेते कर लेते हो, अच्छी जानकारी ले लेते हो, तो क्या नुकसान है? सीखने में क्या बुराई है? लाखों खर्च करके लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, तो आप क्या थोड़ा सा खर्च करके नहीं बन सकते? आपको करना चाहिए, भाई मेरे से मत सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से मर्जी वहाँ से सीखो, लेकिन सीखो जरूर, ठीक है? आज मैं फॉर्म में हूँ, थोड़ा डांटूंगा अभी। तो एनीवे, आपको जो है अच्छी क्वालिटी की चाय की पहचान करनी पड़ेगी, और अपना प्रोडक्ट जो है ऑलवेज कांस्टेंट लेवल में, ऐसा नहीं एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भैया कहाँ से मार्केट चलेगा? आपको कोई भी अगर इस लेवल को पकड़े हैं तो इसी लेवल पर चलते रहिए, हल्का फुल्का इतना ऊपर चलेगा, देखिए ग्राफ, ठीक है? अगर बीच का लेवल है तो बीच के लेवल पकड़िए, आप सीधा लकीर नहीं खींच सकते, आप थोड़ा सा अप डाउन चलेगा, 2% अप एंड डाउन चलेगा। अगर नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं तो चलो भाई नीचे में ही काम करेंगे, लेकिन नीचे का ही क्वालिटी आप सही रखिए, ये नहीं कि जहर भेज देंगे, ऐसा नहीं भाई। ये मान लो ये नीचे वाला क्या क्या है, ये टाटा अग्नि है, ये अग्नि है, ये क्या है प्रीमियम है, ये क्या है गोल्ड है, अब समझ लो दुनिया से भाई। इनका 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट में बता दिया यहाँ पे भाई। अग्नि लेवल की अगर काम कर रहे हैं तो भाई चलो भाई हम इस लेवल की चाय लेंगे, प्रीमियम लेवल की है तो बीच वाली लेवल की चाय ले लेंगे, और गोल्ड लेवल की चाय है अच्छी क्वालिटी। देखिए ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है एक सस्ती चाय का, एक मीडियम रेट चाय की, एक अच्छी चाय की, ठीक है? ऐसा नहीं कि टाटा गोल्ड में सच में गोल्ड डाल दिया है, सोना वोना कुछ नहीं है, चांदी मिल जाए काफ़ी है, तो अपने अपने लेवल की बात है। अब देखिए यहाँ पे इस लेवल को अगर मेंटेन करते हैं तो हल्की फुल्की जो है 2% ऊपर नीचे चलेगा, स्टार्टिंग में 4-5% भी ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है? जिसको 19-20 अब 17-20 करोगे तो बस हो गया। तो इस ढंग से आपको इस क्वालिटी को मेंटेन करनी पड़ेगी। मेंटेन करने के लिए आपको चाय का परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर कंसल्टेंसी की बात है तो कॉल करिए मुझसे, मैं कब मना किया हूँ, किसका कॉल नहीं उठाया, कमेंट करिए मैं किसी का अगर कॉल नहीं उठाया तो भाई माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से, जरूर कमेंट करिएगा भाई। थोड़ा सा 1-2 घंटा लेट हो सकता है, वेटिंग आ सकती है, बट बात सबसे करता हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर देखेंगे किसी और को डिप्लॉयड करूंगा अगर ज़्यादा कॉल्स आने लगे तो। देखिए अभी ज़्यादा कॉल नहीं है, 10-12-15 कॉल डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि हाई क्वालिटी टी या आपके आपके नीड के हिसाब से चाय सब समय बराबर मिलते रहे, ये इसकी एक सोल्यूशन क्या है भाई? बढ़िया सप्लायर हो, टेस्टिंग का नॉलेज हो, और कंसल्टेंसी किसी से सलाह लीजिए, ठीक है? सबसे बढ़िया आप खुद सीखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, सलाह भी लीजिए बट खुद सीख लीजिए आप कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? पुराने वीडियोस जरूर देखिए, इसमें चाय चखने के तरीके बताए गए हैं, उसमें किस ढंग से क्वालिटी की बात है, बढ़िया चाय की चयन कैसे करें, हाउ टू सिलेक्ट गुड सिटी, अच्छी चाय की पहचान, ये वाली वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पे है, और कोर्स में तो डिटेल में है ही है, आप भाई फ्री एप्लीकेशन है, कोई चार्ज थोड़ी ना है, और वहाँ भी बहुत सारी आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स है, तो आप आइए, ऑफलाइन आ सकते हैं और मज़ा आएगा, आप हम बैठ के रिसर्च करेंगे, बात करेंगे, 6-7 दिन का कोर्स है, ज़बरदस्त मज़ा भी है, और कोर्स भी कम्प्लीट, कोई दिक्कत नहीं, आपका इच्छा। अब यहाँ पे ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको, इस प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया। अब आ गया कंपटीशन, भैया ये खतरनाक चीज़ है कंपटीशन, या एक बिल्ली शेर से कब तक लड़ेगी, एक चूहा बिल्ली से कब तक बचेगा भाई? ये तो चूहा बिल्ली का और कुत्ता बिल्ली का लड़ाई है ना, बात ऐसा है, बुरा मत मानिए आप लोग, इस शब्द का प्रयोग मैं किया भाई। बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी, ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मार्केट को चूस कर रख दिए हैं, कस्टमर को निचोड़ कर रख देते हैं,
तो भाई उनसे कंपटीशन लेना, बड़ी बड़ी ब्रांड है वो, उसके अंदर मिट्टी भी भर देंगे बिक जाएगा, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ा विश्वास है लोगों का, और मिट्टी भी अगर भरेंगे ना, मिट्टी का 10 गुण बताएंगे वो बिक जाएगा। तो ये मिट्टी खास है, इस मिट्टी में मतलब जो पौधा 20 दिन होना चाहिए 10 दिन में हो जाएगा, इस मिट्टी को शरीर पर लगा दो सारा बीमारी दूर हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे वो भी बिक जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपको एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और इसमें क्वालिटी आप मेंटेन करेंगे। देखिए यही पॉइंट आ गई घूम के, अगर आप क्वालिटी, आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, और हार्ड वर्क मतलब क्या हुआ भाई, बहुत सारी खुद से काम करनी पड़ती है, उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उनके मतलब बहुत सारे चमचे होते हैं, मार्केट से लेकर के प्रोसेसिंग से लेकर के ऑपरेशन में, ब्लेंडिंग में, उन चमचों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो वो सब खर्चे हम बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्स कमीशन में, टीवी में ऐड आता है, करोड़ों का खर्च होता है, तो वो सब खर्चे बचा करके हम सरवाइव कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। आप हार्डवर्क करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, इनसे बेटर क्वालिटी हम दे सकते हैं। मैं देखिए पिछले वीडियो में बताया था, टाटा गोल्ड की चाय जो है उस रेट में उनसे अच्छी चाय दी जा सकती है, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। टाटा अग्नि हो, टाटा गोल्ड हो, बाग बकरी हो, जिस रेट में वो मार्केट में बेच रहे हैं उसी रेट में आप उनसे अच्छी चाय दे सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो आप क्या करेंगे भाई, क्वालिटी अच्छी हो गई, थोड़ी मेहनत कर लिए, तो कंपटीशन से बचने का उपाय एक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उनका सेल बहुत ज़्यादा है तो वो क्वालिटी उतनी अच्छी मेंटेन नहीं करते हैं, ट्रस्ट में, सच बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि सेकंड फ्लश की चाय लिए और बस सारा साल बेचते रहे, सेकंड फ्लश होता ही कितना है, तो उनको थ्रू आउट द ईयर चाय देनी पड़ती है, इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, ब्लेंडिंग, उनकी ब्लेंडिंग जो है सीजन के हिसाब से उनकी ब्लेंडिंग में भी फर्क होता है। अगर आपको ट्राई करना है तो डिफरेंट मंथ का चाय खरीदिए और टेस्ट करिए, आप समझ जाएंगे, मेरा देखा हुआ है। तो वेरिएशन वहाँ भी आती है, क्वालिटी में फ्लक्चुएशन वहाँ भी आती है, लेकिन काफ़ी कम होता है, और जो एक नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं जो पैकेट में चाय लेते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो कंपटीशन से बचने के लिए सिंपल सी बात है, आप क्वालिटी तो मेंटेन कर ही लिए, अब हार्डवर्क किए, और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आप क्या करेंगे अभी, एक्सपेंसेस में आप क्या करेंगे, कटौती कर देंगे, तो आपका लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा और आराम से आप उनसे कंपटीशन फेस कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी उनसे बेटर हो सकती है, ये मैं बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम नंबर तीन, समस्या नंबर तीन की बात कर रहे हैं, तीन टिकट महाविकेट हैं। तो देखिए तीसरा प्रॉब्लम बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, सीजनलिटी की बात हो रही है, ये सीजन की बात हो रही है भाई, सीजन क्या है। यहाँ पे दो तरह के सीजन की बात कर रहा हूँ, पहला सीजन चाय का, या चाय का सीजन फर्स्ट फ्लश से स्टार्ट, स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं, ऑटम सीजन पे ख़त्म, ठीक है। अब बताइए कि ये जो सीजन के हिसाब से जो क्वालिटी में वेरिएशन होती है वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है भाई। अभी हम फर्स्ट क्लास की चाय मंगी होती है, ठीक है, क्वालिटी उनकी अलग होती है, उसका अगर लेके बिजनेस करेंगे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। सेकंड फ्लश की चाय सब समय मिलती नहीं है, उसका लेके बिजनेस करेंगे क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सारा साल चलेगा, नहीं चलेगा। रेनी फ्लश कर लेंगे तो बोलेंगे भाई आपका क्वालिटी सही नहीं है, अब इसका क्या समाधान निकलेगा। तो ये जो सीजनल इफेक्ट है, और साथ में एक चीज़ मैं जोड़ूंगा रीजनल इफेक्ट। तो देखिए रीजनल तो आप कुछ हद तक कर सकते हैं भाई, आसाम पे काम करेंगे, डुवार्स पे काम करेंगे, या ब्लेंड करेंगे, या साउथ इंडिया की चाय लेंगे, या नेपाल की चाय लेंगे, इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लेंडिंग के माध्यम से। लेकिन सीजनल इफेक्ट को भी आप ब्लेंडिंग के माध्यम से, टी ऑक्शन परचेजिंग के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो सीजनलिटी का दो मतलब है यहाँ पे, पहला क्या किया कि आपको अच्छी ब्लेंड का नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छी ब्लेंड का नॉलेज पकड़िए, आप टैक्टफुल परचेजिंग करिए,
परचेजिंग का भी जो है आपको अच्छा एक ट्रिक्स आना चाहिए, एक होशियारी दिखानी पड़ेगी या थोड़ा सा बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी कि किस ढंग से हम परचेजिंग करें। परचेजिंग में आसाम का डुअर्स का सीजन में थोड़ी सी डिफरेंसेज है। करंट मार्केट जो चल रही होती है प्राइवेट सेल में, उसमें और ऑक्शन में कम से कम 1.5 महीने का फर्क आ ही जाता है। तो आप 1.5 महीना वहाँ खींच सकते हैं, 2-3 महीना थोड़ी बहुत स्टॉक रख सकते हैं। और सीजन में भी कुछ कुछ बगानों की चाय वो अच्छी मिल जाती है। कौन सी बगानों की चाय मिलती है? जो पूर्ण सेक्शन होता है, पूर्ण सेक्शन वाली चाय की पत्तियाँ देर से आती हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सब चाय की पहचान आना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे आपको टेस्टिंग समझना पड़ेगा और ब्लेंडिंग समझना पड़ेगा, तब जाके जो सीजनल इफेक्ट है इसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बोलूँगा, आइए जुड़िए सीखिए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे कॉल करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सारा नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए सीजनलिटी में दो तरह का है, एक तो टी सीजन, एक टी सीजन हो गया, एक जो है इसके बाहर के सीजन या जो है वेदर का सीजन, वेदर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मौसमी। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है, गर्मियों में चाय की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और चाय की खपत इंडिया में कम हो जाती है। जहाँ जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे चाय पीना लोग कम कर देते हैं, कहीं कहीं पे चाय का मोरलेस खपत ठीक रहती है, बट बहुत सारे जगह पे हैं गर्मियाँ बढ़ेंगी तो ठंडे पेय पदार्थ की तरफ लोग मुड़ जाते हैं, गर्म चाय पीने से लोग कतराते हैं या पीना पसंद नहीं करते हैं। घर में भी जाते हैं तो वही पूछते हैं लोग, ठंडा कि गर्म, भाई ठंडा ही पिला दो। अच्छा, अपना सेंस भी लगाते हैं, अभी बहुत गर्मी यार, इसको ठंडा ही पिलाते हैं। चाय उस समय चाय की स्वागत नहीं होती है, कोल्ड ड्रिंक से स्वागत होती है। कोई चाय से, चाय तो फिर भी ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो पूछो मत, बहुत खराब चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है। बाबा रामदेव तो उसके काफ़ी डेडली अगेंस्ट हैं। कोल्ड ड्रिंक भाई पीना ही मत, शरबत बना के पी लेना घर में, वो चलेगा। चाय भी हल्की ठंडी करके पी लेना, आइस टी पिलाइए भाई, आप आइस टी पिलाइए, ठंडी चाय पिलाइए, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालिए, कुछ कुछ एसेंस वगैरह डालिए, सजा दीजिए बढ़िया से, मिंट फ्लेवर कर दीजिए। तरीके बहुत हैं। तो ये क्या है कि जो वेदर के हिसाब से भी चाय की मार्केट घटती बढ़ती रहती है, तो आपका बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। भैया बिजनेस उस समय चल रही थी, अभी नहीं चल रही है, तो क्या उपाय करें कि ये जो है ठीक चल सके। तो अपने सीजन के हिसाब से एक ठीक से प्लानिंग करिए कि उस समय कुछ ट्रेंड को चेंज करिए, कुछ ऑफर्स वगैरह ला सकते हैं, कुछ जैसे आइस टी के बारे में बताया, इस तरीके का कुछ प्रमोशनल चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और कुछ स्टॉक वगैरह पे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि स्टॉक हम अननेसेसरी जो है उस समय ज़्यादा ना रखें, जितना ज़रूरत है उतना रखें। तो यहाँ पे मेन हो गया टी सीजन का जो फ्लक्चुएशन है और एक वेदर का प्रॉब्लम है। तो वेदर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कुछ दिन बाद ही हट जाती है, क्योंकि आप जून जुलाई अगस्त तक जो चाय लेते हैं तो कई जगह बारिश चालू हो जाती है, और बारिश में फिर वो सर्दी जुकाम वगैरह से बचने के लिए लोग गर्म चाय पीना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीजनल प्रॉब्लम्स है, इस सीजनल प्रॉब्लम्स में आप लोग भी कुछ सोचें समझें, और मेरे समझ में जो आया उसकी सोल्यूशन मैंने बता दिया। आप देखिए मार्केटिंग चूंकि मेरा पार्ट नहीं है, बट एक मार्केटिंग भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि भाई अपने चाय को किस ढंग से मार्केट में प्लेस करें। इसके बहुत सारे उपाय हैं, आप किसी भी मार्केटिंग प्रोफेशनल से इसकी राय ले सकते हैं, चाय को किस स्टोर पे कैसे प्लेस करना है, किस ढंग से आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक करें। तो ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग आप शॉप टू शॉप कर सकते हैं, किसी जो हाइपर स्टोर वगैरह है उनको सप्लाई दे सकते हैं, सुपरमार्केट वगैरह में दे सकते हैं। तो बहुत सारी मार्केटिंग की बातें हैं इसमें। सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसा है कि आपका एक ब्रांड बिल्डअप में काम करेगा, और मार्केटिंग में जो भी आपको दिमाग लगाना है इसमें लगाना चाहिए,
ये हार्ड वर्क करने से पीछे आप मत हटिए। देखिए थोड़ी बहुत कंपटीशन वाली बात हो गई, मार्केटिंग की बात हो गई, तो कुछ यहाँ भी है कुछ यहाँ भी है बातें। तो मार्केटिंग पे आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं, लोगों तक पहुँचने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप को थ्रू जुड़ सकते हैं। अपनी सब सब कुछ अच्छी है तो भाई डरना क्या है, आप लोगों तक पहुंचाइए। अपने अड़ोस पड़ोस से मार्केटिंग चालू करिए, फिर धीरे धीरे गली मोहल्ला होते होते आप उस एरिया तक पहुंचे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाए। तो मार्केटिंग ये लॉन्ग टर्म गेम होता है, ये लोगों को दिमाग में घुसाना पड़ता है अपने ब्रांड के बारे में, तब जाके वो रिकॉल होती है। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे और चाहे जितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हो, अगर कोई अननोन ब्रांड आपको देता है जिसके बारे में कभी सुने ही नहीं हो, आपको क्या लगेगा? अरे पता नहीं क्या दे दिया है, पता नहीं किस कंपनी का नाम है, सुना ही नहीं आज तक। तो भाई क्वालिटी पर नहीं जा रहे हो, सुना ही नहीं आज तक, तो आपको अपना ब्रांड सुनाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि भाई ऐड दे दिए और वो फट से बिक जाएगा, ना। ऐड देने का पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, लोगों को दिमाग में घुसाना कि कल को किसी दुकान पर जाके वो प्रोडक्ट देखेगा तो उसको लगेगा नहीं इससे तो नाता पुराना है, इसके बारे में सुना हूँ, जानता हूँ, कहीं ना कहीं देखा हूँ, ये फैमिलियर ब्रांड है, वो प्रोडक्ट बिक जाएगा आपका। तो लोगों को फैमिलियराइज करना, उनके दिमाग में बैठा देना कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी हैं मार्केट में, हम भी अच्छी खासी प्रोडक्ट रखते हैं। तो उनको लोगों तक बस रटवा देना है, है ना। तो मार्केटिंग का फंडा आप समझिए, जो कुछ बुक्स हैं अगर बुक पढ़ सकते हैं, बढ़िया यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, कोई क्लास अटेंड कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए भाई, एजुकेशन से पीछे मत हटिए, वो करते रहिए। अब रह गया बात, देखिए लास्ट पॉइंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ भी आपको देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑपरेशन होता है पूरा, मतलब परचेस से लेकर के सेल्स तक, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात होती है, कितना चाय लेना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कैसे ब्लेंड करना है, परचेस कब करना है, कितने में करना है, पेमेंट कैश कब करना है, ठीक है, सेल का पेमेंट आया कि नहीं आया, कैश फ्लो कैसा चल रहा है, ठीक है, कितना ड्यूज मार्केट में हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऑपरेशन की, इनको मतलब अकाउंट्स की भी बातें हैं। इन सब चीज़ों को अगर एफिशिएंसी के साथ अगर नहीं करेंगे, डाटा को एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो दिशा को सुनिश्चित करिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या करेगा, आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये राइट डायरेक्शन होगा। तो राइट डायरेक्शन में जाइए, काम करिए आप। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत सारी हैं, उसकी टेस्टिंग है, ब्लेंडिंग है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, उसके जितने भी सेल्स परचेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड, उनकी क्वालिटी का रिकॉर्ड, टेस्टिंग रिकॉर्ड, सारी चीज़ें जो है एक प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन एक फैक्ट्री के जैसा, एक कॉपरेट सोच के जैसा होना चाहिए, जिसका जो काम है वो करेगा। कोई सेल्स का बंदा है, कितना सेल्स किया, कितना नहीं किया, क्या टारगेट अचीव किया, क्यों नहीं किया, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, बहुत सारी बातों को आपको गहराई से समझने की जरूरत है, एक मॉडर्न तरीके से मैनेजमेंट करने की जरूरत है। देखिए लोग एसी ऑफिसेज में बैठ करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, क्यों? दिमाग चला रहे हैं, हमारे जैसे गधे के जैसा नहीं काम कर रहे हैं, वो दिमाग चला रहे हैं। बड़े बड़े IITian हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स बड़े बड़े हैं, वो क्या है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स हैं, MBA किए हुए, सब क्या करते हैं, केवल अपने दिमाग का यूज करते हैं, डाटा का सही एनालिसिस करते हैं और राइट डायरेक्शन पर राइट काम करते हैं, मतलब राइट पॉइंट पर हथौड़ा मारते हैं, ठीक है ना, मतलब पिन पॉइंटेड काम करते हैं, उनका टारगेट सेट होता है, ऐसा नहीं कि बस चले जा रहे हैं। तो आई होप आप ये पांचों प्रॉब्लम्स को समझे होंगे, उसके सलूशन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक किया होगा, कुछ मैंने बताने की कोशिश किया है, और मैं आशा करता हूँ आप हम जुड़ के बढ़िया काम करेंगे, कुछ ना कुछ एक मोटिवेशनल बातें होंगी और बिजनेस में ग्रोथ लाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।